जय श्री महाकाल गाइस, जय श्री राम गाइस। सो जैसा कि लास्ट व्लॉग में देखा आपने, हम लोग उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं भोरेश्वर महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं मेरे साथ, आप भी चलिए और देखिए भोरेश्वर महादेव मंदिर, जो कि उज्जैन से पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स। और क्यों जा रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको अभी आगे मेरे व्लॉग में। सो गाइज, आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का समावेश मिलता है, तो अभी मैं बताता हूँ अभी आगे वीडियो में। एंड यहाँ इस मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है एंड यहाँ पर हर शिवरात्रि पे रैली भी निकाली जाती है, जो कि महाकाल से इस प्लेस पर निकलती है, जो मैं बताने वाला हूँ आपको अभी। सो गाइज, मैं भोरेश्वर महादेव मंदिर जा रहा हूँ और महादेव मंदिर इस वजह से जा रहा हूँ कि यहाँ की ऐसी मान्यता है और हमने कई बार ऐसा सुना है कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक शिवलिंग में यहाँ हो सकते हैं। एंड ये उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर ही है, तो मेरे को लगा इस बार जाना बनता है, तो हम अभी वहीं जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने। तो गाइस, आ चुके हैं भोरेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पड़ता है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये है सामने मंदिर, तो गाड़ी खड़ी करते हैं इधर और चलते हैं। तो ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यह मंदिर 5000 साल पुराना बताया जाता है एंड यहाँ पे जो शिवलिंग है वो बोर के आकार की है, इस वजह से इसे भोरेश्वर महादेव कहा जाता है। और ये हम आ गए अभी नीचे और आप सामने देख रहे हैं पूजा अर्चना चल रही है, हम भी करते हैं और ये है मुख्य शिवलिंग, दर्शन करते हैं। तो आप भी कीजिए भोरेश्वर महादेव के दर्शन। जय शिव शंभू। यहाँ पर भोरेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। वैसे ये निमंत्रण है कुंभ मेला 2025 का। सो गाइज, ये था भोरेश्वर महादेव मंदिर और आप देख सकते हैं अभी बारिश का मौसम है, कितना हरा भरा हो रखा है पूरा खेत में। एंड यहाँ थोड़ा सा आगे रुके और वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ का मंदिर मैंने आपको पूरा बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।